स्वच्छ भारत का मेरा सपना आजादी के 72 सालों के बाद भी आज भी अधूरा है। आज भी मेरी भारत माँ गंदगी की जंजीरों से बंधी हुई है। विज्ञान के दम पर मंगल चांद पर बसने का दावा करने वाले स्वार्थी लोगों कुछ दर्द मेरा भी समझो। व्यथा मेरी भी सुनो। दम घुटता कचरे के बोझ तले बेचैनी होती है। विज्ञान के सहारे मेरे आंचल को मेरी नदियों को साफ नहीं रख सकते। विज्ञान के सहारे प्रकृति से खिलवाड़ कर सकते हो तो क्या विज्ञान के सहारे प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकते हो किंतु उन्नति की भूख में इतने अंधे हो चुके हो कि सही और गलत में फर्क करना भूल चुके हो कि जहरीले रसायनों को मेरी जीवनदायिनी नदियों में गिराकर वरदान बनकर मिला था जो विज्ञान इस समाज को उसे अभिशाप बना दे। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वरदान अभिशाप वरदान अभिशाप वरदान अभिशाप वरदान अभिशाप वरदान अभिशाप वरदान अभिशाप। बापू का भूत। अबे तेरे बापू तो जी
जिंदा है ना। मेरे बापू नहीं, तेरे बापू, इसके बापू, उसके बापू, पूरे देश के बापू, पूरे देश के बापू। अबे तेरा मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी? अबे लगता है तुझे चढ़ गई है, उन्हें मरे तो 70 से ज्यादा साल हो गए, वो इस दर्द में आके क्या करेंगे। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मुझे मरे 70 साल से ज्यादा समय हो गया है, किंतु 70 वर्ष का मेरा स्वच्छ और स्वस्थ भारत का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसी कारण मेरी रूह आज भी भटक रही है। इस वर्ष तुम मेरी 150वीं जयंती मना रहे हो। पशु खाएंगे तो मारे जाएंगे, जमीन में दफन। प्रतिशत प्रयोग मिलाई सूर्य पवन
मेरे स्रोत जो कभी नष्ट नहीं होंगे, फिर भी ये मानव कहता है कि मेरे पहले लगाना बहुत महंगा है। कि हरी तुझा के प्रयोग से इस धरती से कितना प्रदूषण कम होगा और साथ ही इन जीवाश्म ईंधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाया जा सकेगा। हरी तुझा तो स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प है।